वाह, देखो क्या बात है। क्या है? ओ किटी, ये एक मॉडल है, वो भी डीएनए का। और वो क्या होता है, चलो आज के एपिसोड में इसी के बारे में जानते हैं। ज़ूम इन। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक मॉलिक्यूल है। दोस्तों, एटम्स का एक ग्रुप एक डबल हेलिक्स के आकार में एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक खूबसूरत लैडर की तरह है, जिसे कई बार टर्न और ट्विस्ट करके एक स्पाइरल बनाया गया है। ये जेनेटिक कोड ही किसी जीवित वस्तु की सारी विशेषताओं को डिटरमाइन करता है। असल में आप डीएनए ही हैं, वो जो आपको आपकी तरह बनाता है। ओ, मैं भी ना बार बार सॉरी। हमारा निर्माण करीब 3 बिलियन सेल्स से हुआ है, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, और हर सेल का अपना काम है। सेल्स के कुछ बंच हमारी बोन्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं ब्रेन, और कुछ बनाते हैं स्किन, और सब एक साथ मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडीज। लेकिन हर सेल को कैसे पता चलता है कि उसे क्या करना है? यही तो डीएनए अपनी भूमिका निभाता है, और एक बॉस की तरह हर सेल को उसका काम बताता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपके शरीर का ब्लूप्रिंट है। लेकिन जरूरी सवाल है कि आखिर कैसे एटम्स के ये बंच किस तरह दुनिया के सभी सजीव जीवों के ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं, जैसे कीड़ों से लेकर बिल्लियों तक और इंसानों से लेकर पेड़ों तक भी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें होना होगा छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा, ताकि हम सेल के अंदर जाकर अपने पहले अमीनो एसिड के बारे में जान सकें। अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर एक जरूरी रसायन होता है, और इसे अक्सर जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। इनके 20 अलग अलग आकार और प्रकार होते हैं। प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारा शरीर इन अमीनो एसिड्स को खास तरीकों से जोड़ता है। अब ये नए बने प्रोटीन्स सेल्स बनाने के लिए दूसरे रसायनों के साथ मिल जाते हैं। फिर ये सेल्स उन टिश्यूज को बनाते हैं, जिनसे हमारे मसल्स और ऑर्गन्स बनते हैं, और ये सब एक साथ मिलकर बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आप और आपके बिस्तर के नीचे का बग। ये प्रोटीन्स जिनसे आप बने हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भी करीब मिलियंस, और हर एक को सही तरह से काम करने के लिए परफेक्ट आकार में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर इम्परफेक्ट शेप्स सही तरह से काम नहीं करती हैं। इसी वजह से बॉस डीएनए आगे बढ़ते हैं और हालात को कंट्रोल करते हैं, और अमीनो एसिड को प्रोटीन की परफेक्ट शेप बनाने के लिए कहते हैं, ताकि सेल्स से लेकर ऑर्गन्स तक और किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक सब कुछ ठीक से बन सके। चलो अब जरा डीएनए के मॉडल को करीब से देखा जाए। जैसा आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग तरह के रसायनों से बना हुआ है, जिन्हें अलग रंगों और अल्फाबेट्स में दिखाया गया है। ये अक्षर वो जेनेटिक कोड्स हैं जो पूरे डीएनए थ्रेड में हर जगह मौजूद होते हैं, जो कि बहुत लंबा होता है और सेल के न्यूक्लियस के अंदर कॉइल्ड रहता है। लेकिन अमीनो एसिड को प्रोटीन में बदलने के लिए डीएनए को अमीनो एसिड से इंटरैक्ट करना होता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर रहता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस को छोड़ नहीं सकता है, इसलिए सेल्स डीएनए सीक्वेंस की एक कॉपी आरएनए में बनाते हैं। ये आरएनए काफी कुछ डीएनए की तरह दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ कमी होती है। ये ज्यादा छोटे हैं और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के छेद से बड़ी ही आसानी से सेल के अंदर पहुंच सकते हैं। एक और पार्टिकल पहुंच सकता है, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, जो है प्रोटीन बनाने की मशीन। वो आरएनए कोड के 3 लेटर्स को एक बार में पढ़ते हैं और अपने आसपास के अमीनो एसिड को अब्सॉर्ब करते हैं। और दोस्तों, करेक्टली कोडेड प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें चेन में आरएनए कोड के मुताबिक जोड़ देते हैं। इसके बाद ये प्रोटीन्स आपके शरीर के अंदर जाकर कमाल का काम करते हैं, जैसे कि नए सेल्स बनाना। तो डीएनए क्या है? आसान शब्दों में डीएनए एक मोलेक्युलर ब्लूप्रिंट है,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो आरएनए बनाता है और जो बदले में प्रोटीन बनाता है, और साथ ही वो इस जादुई चीज को बनाते हैं जिसे कहते हैं जीवन। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि हर एक इंसान अपने डीएनए का 99% हिस्सा हर दूसरे इंसान के साथ साझा करता है? इतना ही नहीं, बल्कि आपका 98% डीएनए एक जैसा होता है, वो भी चिंपैंजी के डीएनए से। इसमें कोई हैरानी नहीं कि आप कूदते रहते हैं। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली बार। मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। नहीं किटी, उसे मत छुओ। कोई बात नहीं।